बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय 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 सियाराम। इस समय मौजूद हैं अहमदाबाद में और आज पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य दरबार लगेगा। शाम 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 7 बजे तक लगेगा 2 घंटा के लिए। और यह देख सकते हैं रोड है, हाईवे यहाँ पर देख सकते हैं, हाईवे रोड है और इधर आसपास कोई ग्राउंड नहीं। उतना बड़ा मिला और ग्राउंड था भी तो बारिश हुए से उसमें बैठने के लिए सही जगह नहीं था। और यहाँ पे रोड पे, हाईवे रोड पे ही पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य दरबार लगेगा और कुछ ही समय में यहाँ पे तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं भैया लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप का समय इसमें हो रहा है। और यहाँ पे जो आगे देख सकते हैं लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था बहुत ही बढ़िया किया गया है। और वहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर लगा है, उसके बाद सामने देख सकते हैं माताएं बहन लोग वहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे कार्यक्रम बहुत फास्ट तैयारी किया जा रहा है। देख सकते हैं आगे भैया, और यहाँ पे भी जगह जगह पे कूलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कूलर खड़ा किया गया है, अभी रखा गया है यहाँ पे, अभी सेट होगा कुछ ही समय बाद। और यहाँ से एंट्री का जो गेट है आप देख सकते हैं वहाँ सामने से वो बंद कर दिया गया, थोड़ा सा जगह से ही खुला है, वहीं से भक्त लोग सब लोग आ रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं और जो जो दूर के लोग हैं वो भी यहाँ पे आने का संभावना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पे एक ही दिन के लिए दिव्य दरबार यहाँ पे लगेगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं उधर से भी कुछ भक्त लोग आ रहे हैं, वहाँ पे आगे गेट बंद कर दिया गया है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर किसी साइड से भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं जो भीड़ है, चलिए आगे की तरफ अभी लेकर चलते हैं। और यहाँ से पुलिस भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, यहाँ से सभी को आगे की ओर बोल रहे जाने के लिए। ये भीड़ देख सकते हैं कम से कम इस समय 1000+ यहाँ पे भीड़ होगा। और ये VIP कुर्सी यहाँ पे लगाया गया है देख सकते हैं, और कितनी लंबी तक जाएगा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे कल से दोस्त आए थे, यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे VIP यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुर्सी है, आगे सामने देख सकते हैं LED लगाया गया है। और यहाँ भैया हैं डोल नहीं पाते तब पर भी यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे चलिए दिखाने वाले हैं जगह जगह पे जो बारिश के मौसम की वजह से यहाँ पे ऐसा हाल है। और यह ग्राउंड देख सकते हैं, बारिश वजह से यहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा हुआ है। और आगे देख सकते हैं काफी दूर तक यहाँ पे LED लगाया गया है जगह जगह पे। और एक यहाँ पे देख सकते हैं अभी सामने आप, यहाँ पे LED लगाया गया है। और यहाँ से भी कुछ दूरी आगे तक जाएंगे तो वहाँ पे भी लगाया गया है, 2-3 जगह दूर दूर पे LED लगाया गया है। ये देख सकते हैं हाईवे रोड है, इस पे बहन लोग, भैया लोग, माता बहन लोग इस पे बैठेंगी, ये मैट बिछाया गया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, जो यहाँ पे देख सकते हैं मॉल है, ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें सब अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे मिलता है। और सूरत है, अहमदाबाद है तो सिटी है, एरिया है तो बड़े बड़े सुविधा मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया जगह जगह का जो रोड है वो जाम कर दिया गया है, यहाँ पे 2-व्हीलर 4-व्हीलर आने का उतना व्यवस्था नहीं किया गया है क्योंकि ये हाईवे रोड है। पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर कुछ ही समय में आएंगे, 5 बजे तक पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर आने वाले हैं और 2 घंटा दिव्य दरबार लगेगा। और आप लोगों के लिए हम यह जानकारी देने के लिए चले आए हैं, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत और परेशानी से यहाँ पर हमें आना पड़ा, फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं सीधा धाम पर। चलिए अभी हम और पास में लेके चलते हैं जहाँ पे भक्त लोग वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे अभी हम पास में चलने वाले हैं। और ये मैदान आगे देख सकते हैं, एक और मैदान वहाँ पे था जहाँ देवकी नंदा ठाकुर जी का वहाँ पे कथा चल रहा था,
तो पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पे आए भी थे, मगर उस जो ग्राउंड है उसमें पूरा पानी ही पानी है, इसके वजह से वहाँ भी नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया वहाँ पर भी। और यहाँ पर भक्त लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, इस रोड पर, इस मैट पर आराम से बैठ सकते हैं। और बालाजी की कृपा के वजह से आज कितने लोग का देखिए लॉटरी लगता है, या तो फिर कितने लोग का अर्जी लगता है, कितने लोग का पर्चा बनता है। जो लोग भक्त लोग बैठे हुए हैं अपना, सब लोग जय श्री राम का नाम ले रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव यहाँ से जाएंगे तो धाम पर भी दिव्य दरबार लगेगा। और ये देख सकते हैं बोर्ड लगाया गया है इतना बड़ा सा यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं भक्त लोग आगे बैठे हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं जगह जगह पे कूलर की व्यवस्था किया जा रहा है भक्त लोगों के लिए। धूप में भक्त लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कुछ भक्त लोग छाता लिए हैं, कुछ लोग कुछ जो व्यवस्था है अपना लिए हैं, बेना लिए हैं, मुंह बांधे हुए ढके हुए, क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक धूप है इस समय, और धूप में भक्त लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और एक वहाँ पे भी LED लगाया, उधर भी भक्त लोग बैठेंगे। और यहाँ से भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैदान है, यहाँ पे बारिश बहुत हुआ था यहाँ पे, और पानी यहाँ से सुखाया गया था, देख सकते हैं जगह जगह बनाकर, यहाँ पर सुबह से ही काम चल रहा था। और कुछ भक्त लोग देख सकते हैं वहाँ पे नीम के पेड़ जो छांव है वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, जो जहाँ जहाँ भक्त लोग को अच्छा सुविधा मिल रहा है वो लोग वहाँ पर आराम से अच्छे से बैठ रहे हैं। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे VIP बूथ है, और यहाँ पे देख सकते हैं भैया 20 रुपये के दे रहे हैं पूज्य गुरु भगवान का फोटो, सन्यासी बाबा का और बालाजी सरकार का यहाँ पे फोटो है। और यहाँ पे देख सकते हैं माता जी टीका लगा रही हैं सभी भक्तों को, और यहाँ पे भक्त लोग बैठे हुए हैं आराम से। यहाँ पे देख सकते हैं भक्त लोग कैसे बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक धूप है, और एक दिन में इतना भव्य व्यवस्था हो पाया। अहमदाबाद भैया लोग काफ़ी मेहनत यहाँ पे किए हैं, ये चीज़ तो देखने को मिलता है, क्योंकि कल हम लोग वहाँ पे गए थे जहाँ पे दिव्य दरबार लगा था, आप लोग को भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखने को मिला होगा, देखेंगे अगर तो वहाँ पे व्यवस्था कुछ कम था, मगर यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अत्यधिक है। और वहाँ पे देख सकते हैं भक्त लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कार्यकर्ता भैया लोग हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक LED लगाया गया है, शाम को भक्त लोग इधर भी बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैट बिछाया जा रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो भी कुछ आप लोगों को जगह देखने को मिल रहा है खाली जगह है, या कुछ समय बाद यहाँ पे भक्त लोग यहाँ पे इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि कहीं पैर रखने का भी जगह नहीं रहेगा। तो यहीं पे पूज्य गुरुदेव भगवान आए थे, देवकी नंदन जी का यहाँ पे कथा चल रहा था, ये देख सकते हैं ग्राउंड, मगर आगे वहाँ उधर बहुत पानी था इसलिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया। और बाकी इधर रोड भी जहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे है बहुत ही अच्छा किया गया है, देख सकते हैं भैया लोग इधर से आ रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आएंगे बैठेंगे। और दादाजी देख सकते हैं झोला
लगा कर आर किए हैं और चश्मा लगाए हुए है। ये अहमदाबाद है भैया, जगह जगह साउंड का व्यवस्था किया गया है और आगे देख सकते हैं। साधु जी सीताराम जय श्री है और पूज्य गुरुदेव भगवान जी आते हैं, आपसे भक्तों को भी हम दर्शन कराते हैं।